पूर्णिया सीट को लेकर बिहार में महागठबंधन में खींचतान बढ़ गई है। सीट शेयरिंग में आरजेडी कोटे में गई सीट पर पप्पू यादव अड़ गए हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 2 अप्रैल को पप्पू यादव नामांकन करेंगे। हाल ही में पप्पू यादव अपनी पार्टी के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। वो लगातार पूर्णिया लड़ने की बात करते रहे हैं, लेकिन पूर्णिया आरजेडी के कोटे में चली गई। अब सवाल है कि क्या पप्पू यादव कांग्रेस छोड़ेंगे या फिर आरजेडी मान जाएंगे। कांग्रेस की विचारधारा मेरे लिए सर्वोपरि है। पूर्णिया की जनता, खास तौर पर हर घर की माँ और बेटी, पप्पू यादव को अपना भाई अपना बेटा बना चुका है, तो इसीलिए निर्णय कभी नहीं बदलता। और एक ही बार मैंने कह दिया है कि दुनिया छोड़ देंगे, पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। पप्पू यादव कहाँ से आ रहे हैं? ये महागठबंधन की पीसी है सीट एलोकेशन की। आप स्वतंत्र हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से अलग अलग बात करने के लिए। तो देखिए, बेगूसराय में भी यही हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद कन्हैया ने न केवल बेगूसराय छोड़ा बल्कि उन्होंने बिहार से भी दूरी बना ली। आगे चलकर कन्हैया ने सीपीआई छोड़कर कांग्रेस का हाथ पकड़ लिया। इसके बाद कन्हैया को लेकर लगातार ये चर्चा रही कि उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है, फिर कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कन्हैया राहुल के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी लगातार कदम से कदम मिलाकर चलते नजर आए, लेकिन उन्हें पार्टी में कोई बड़ी भूमिका मिली नहीं। अब बेगूसराय की सीट लेफ्ट के पाले में चली गई है। सीपीआई ने हफ्ते भर पहले ही इस सीट से अवधेश राय को अपना उम्मीदवार बनाने की घोषणा कर दी। इस बीच गिरिराज सिंह ने कहा कि बेगूसराय में 80% बनाम 20% की ही लड़ाई होगी। राहुल जी की कोई पूंजी है नहीं, तेजस्वी जी समीकरण खोज रहे हैं, तो इस समीकरण और बिना पूंजी इसमें क्या होने वाला है? बेगूसराय में और बिहार में 80-20 की लड़ाई चलेगी।